कांग्रेस और विपक्षी दलों की तमाम कोशिशों के बावजूद आज कट्टरपंथी ताकतें भारत में कानून व्यवस्था से भी ऊपर उठ चुकी हैं और अपनी कुरूपता, विद्रूपता और नंगई का तांडव और कोहरा मचा रही है। भारत कमोवेश हिंदू राष्ट्र के मुहाने पर खड़ा है। देश में ऐसे जहरीले और सांप्रदायिक माहौल में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में परिवर्तन आत्मघाती साबित होगा। उसका मुकाबला केवल राहुल गांधी पार्टी में बहुत से युवाओं को शामिल करने के साथ साथ पार्टी का पुनर्गठन करके कर सकते हैं। यदि राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है तो उन्हें शांति, प्रेम, अहिंसा और विनम्रता के बजाय फासीवादी, जातिवादी, झूठ और जुमला राजनीति का मुकाबला जैसे को तैसा की कठोर रणनीति के और कठोर एक्शन के जरिए करना चाहिए, अन्यथा कोई फायदा नहीं होगा।